दोस्तों इस साल यानी 2023 स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के लिए काफ़ी शानदार रहा है, क्योंकि अगर हम म्यूचुअल फंड्स प्लान की बात कर लें तो आपको बेहतरीन प्लानों में पिछले एक साल के अंदर 50% से ज़्यादा कंपाउंड रिटर्न मिला है, यानी कि 1 लाख रुपये की वैल्यू पिछले एक साल के अंदर 1.5 लाख रुपये तक हो चुकी है। यही वजह है कि अगर हम म्यूचुअल फंड्स AMC की बात करें तो अब नए नए प्लान स्मॉल कैप से रिलेटेड लेकर आ रहे हैं, जिनमें लोग ज़्यादातर पैसे को भी निवेश कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम म्यूचुअल फंड AUM की बात कर लें तो लगभग 40 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा म्यूचुअल फंड का AUM है, और इसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने पैसा जो निवेश किया है वो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंडों में ही निवेश किया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि म्यूचुअल फंड्स में स्मॉल कैप कैटेगरी के फंडों ने पिछले 10 साल में 25% से ज़्यादा कंपाउंड रिटर्न दिया है, और बैंक FD के मुकाबले ये रिटर्न 4 गुना ज़्यादा है। दोस्तों अगर हम सभी म्यूचुअल फंड AMC की बात कर लें तो पिछले 6 महीने के अंदर बेहतरीन प्लान म्यूचुअल फंड्स AMC लेकर आई हैं, जिनमें पिछले 7-8 महीने से भी अगर हम रिटर्न की बात कर लें तो इन फंडों में सबसे ज़्यादा 50 से लेकर 57% तक रिटर्न मिला है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो भी पिछले 6 महीने पहले सारे AMC की तरफ से फंड आए हैं उसमें कौन से वो बेहतरीन फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी से रिलेटेड, जिसमें अगर आप थोड़े पैसे यानी कि वन टाइम अगर आप निवेश कर देते हैं सिर्फ 25,000 रुपये, तो इससे अगर आपको जो रिटर्न है एवरेजन इन म्यूचुअल फंडों का उससे कम भी रिटर्न अगर आपको मिल जाता है तो कैसे आप सिर्फ 25,000 रुपये निवेश करके ही 4 करोड़ रुपये तक फंड बना सकते हैं, या फिर अगर म्यूचुअल फंड में SIP की बात करें तो 1,000 रुपये महीने से इन 5ों ही फंडों के अंदर एवरेजन कम रिटर्न मिलता है तब भी आप करीब 17 करोड़ रुपये तक फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टडाटा में। तो इन 5ों फंडों का आज हम पूरा रिव्यू करेंगे, लास्ट में कैलकुलेशन करके भी समझेंगे, तो ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, आप बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में अभी निवेश करने का प्लान नहीं कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आप निवेश करना चाहते हैं तो इन 5 बेहतरीन प्लानों के बारे में अगर आपको नॉलेज होती है तो निवेश करते टाइम आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। लेकिन ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ये फंड हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि कौन से वो फंड हैं बेहतरीन 5 जिनके अंदर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करते हैं तो यहाँ से एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी कैटेगरी में सबसे पहले फंड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर हम रिटर्न की बात करें तो दोस्तों 7-8 महीने पहले ये फंड स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर अब तक के रिटर्न की बात की जाए तो इस फंड ने 50% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, जबकि लास्ट 6 मंथ में 32% का रिटर्न है और लास्ट 1 मंथ में फंड ने 6.5% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। दोस्तों सेकंड फंड है SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और इस फंड ने करीब 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर अब तक लगातार जो रिटर्न है इसका एनुअली वो कंपाउंड 39.97% है, जबकि लास्ट 1 ईयर में फंड ने 48% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और लास्ट 6 मंथ में फंड का रिटर्न 32% से ज़्यादा है। दोस्तों थर्ड फंड है निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यहाँ पर जो रिटर्न है ऑल टाइम का इस फंड का वो करीब 4 साल पहले स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर अब तक जो लगातार रिटर्न है वो 38% के आसपास है, जबकि लास्ट 3 ईयर में फंड ने 32% का रिटर्न, जबकि लास्ट 1 ईयर में शानदार फंड ने लगभग 48% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। दोस्तों यहाँ पर अगर फोर्थ फंड की बात करें तो यह एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यहाँ पर जो रिटर्न है ऑल टाइम में वो 24.83% है, जबकि लास्ट 1 ईयर में फंड ने 61.45% का रिटर्न, जबकि 6 मंथ में यहाँ पर 44% से ज़्यादा रिटर्न है। दोस्तों फिफ्थ फंड यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी में है ICICI प्रो स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और यहाँ पर जो रिटर्न है इसका ऑल टाइम में करीब 18% है और लास्ट 3 ईयर में फंड ने 35% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं इन म्यूचुअल फंड प्लान की होल्डिंग की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों HDFC निफ्टी स्मॉल कैप फंड के जो स्टॉक हैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उसके अंदर जो भी 250 स्टॉक हैं उनके अंदर ही यहाँ पर अलग अलग परसेंटेज में पैसे को निवेश किया गया है। यहाँ पर कुल मिलाकर इसके पोर्टफोलियो में 250 स्टॉक हैं। अगर हम टॉप 5 होल्डिंग की बात कर लें तो इसमें यहाँ पर सुजनॉल एनर्जी कैपिटल गुड सेक्टर का स्टॉक है, इसके अलावा BSE इंडिया, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड, CENT मल्टी कम्योडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और KEI इंडस्ट्री, ये टॉप 5 होल्डिंग है इस म्यूचुअल फंड प्लान की। वैसे कुल मिलाकर स्मॉल कैप इंडेक्स जो है निफ्टी का उसके अंदर जितने भी 250 स्टॉक हैं उनमें अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से पैसे को निवेश किया गया है।
अगर हम SBI निफ्टी स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 250 स्टॉक हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर जो पैसा है इसमें भी टॉप 5 होल्डिंग में यही कॉमन स्टॉक हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो स्टॉक का इन्वेस्टमेंट है वो परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग है। अगर आप चेक करेंगे HDFC स्मॉल कैप फंड का तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सुजलॉन एनर्जी में 3.15% और यहाँ पर BSE इंडिया में 2.56% पैसा यूज़ किया गया है, जबकि SBI की बात करें तो इसमें 3.11% और BSE इंडिया में 2.55%, यानी कुछ परसेंटेज के हिसाब से पैसे को थोड़ा कम या ज़्यादा किया गया है अलग अलग फंडों में। इसी तरह दोस्तों अगर हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो इसके पोर्टफोलियो में वही सेम स्टॉक हैं और यहाँ पर जो होल्डिंग है उसमें 244 स्टॉक हैं जिसमें पैसे को निवेश किया गया है और यहाँ पर दोस्तों पैसे को अलग अलग सेक्टरों के अंदर डिवर्सीफाई किया गया है। जबकि दोस्तों अगर हम एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड की बात करें तो इसके पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक हैं, यानी कि निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर जो 50 स्टॉक हैं उसमें पैसे को निवेश किया गया है। यहाँ पर दोस्तों पैसे को सिर्फ 50 स्टॉक जो हैं उसमें ही निवेश किया गया है, 250 स्टॉकों में निवेश नहीं किया गया है। जबकि अगर हम ICICI स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर 92 स्टॉक हैं, लेकिन यहाँ पर जो पैसा है उसमें टॉप 5 होल्डिंग में बात करें तो सीएंट, रोलेक्स रिंग, ब्रेड एंटरप्राइजेस और विजया डाइग्रोजिट और इसके अलावा कमिंग्स इंडिया। लेकिन दोस्तों अगर हम इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर पैसे को अलग अलग परसेंटेज में निवेश किया गया है। अगर हम HDFC स्मॉल कैप की बात करते हैं तो यहाँ पर जो निवेश है उसमें फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर 20%, कैपिटल गुड्स में 13%, सर्विसेज में 12% और हेल्थ केयर सेक्टर में 10% पैसे को यूज़ किया गया है। बाकी अलग अलग सेक्टरों में भी अलग अलग परसेंटेज में पैसे को यूज़ किया गया है। अगर हम बात करते हैं SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड की तो यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर लगभग 20%, कैपिटल गुड्स में 13%, सर्विसेज सेक्टर के अंदर 12%, इसके अलावा कंज्यूमर स्टेम्पल और केमिकल सेक्टर के अंदर भी अलग अलग परसेंटेज में पैसे को यूज़ किया गया है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड की बात करें तो यहाँ पर भी सेक्टर वाइज अलग अलग पैसे को निवेश किया गया है और सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर भी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ही निवेश किया गया है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं एक्सिस निफ्टी 50 स्मॉल कैप फंड की तो इसके अंदर जो स्टॉक हैं उसमें सबसे ज़्यादा पैसा अदर सेक्टर के स्टॉकों में निवेश किया गया है। इसके अलावा सेकंड यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर है, इसमें भी करीब 23% पैसा यूज़ किया गया है। अगर हम यहाँ पर ICICI प्रू स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के अंदर कैपिटल गुड्स और अदर सेक्टर के स्टॉकों में सबसे ज़्यादा पैसे को निवेश किया गया है। अगर हम HDFC स्मॉल कैप के NAV के प्राइस की बात करें तो ये 15 रुपीज़ है और इसका UM 88 करोड़ है। SBI फंड की बात करें इसका UM करीब 400 करोड़ रुपये है और NAV का प्राइस 15 रुपीज़। दोस्तों अगर हम निप्पॉन इंडिया के फंड की बात करें तो इसका UM करीब 832 करोड़ है और NAV का प्राइस 2700 रुपये। अगर हम एक्सिस के इंडेक्स फंड की बात करें तो इसका AUM 159 करोड़ रुपये है और NAV का प्राइस 15 रुपीज़। जबकि अगर हम ICICI स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो इसका AUM करीब 6607 करोड़ रुपये है और NAV का प्राइस 81 रुपीज़। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं कैलकुलेशन की तो इस फंड में अगर आप लमसम 25,000 रुपये निवेश करते हैं 5 साल के लिए और 28% रिटर्न अगर आपको मिल जाता है तो आप 25,000 रुपये से 85,000 रुपये फंड बना सकते हैं 5 साल के अंदर। 10 साल में 25,000 रुपये से आप 295,000 रुपये का फंड बना लेंगे। अगर हम 15 साल की बात करें तो 25,000 रुपये से आप 10 लाख रुपये तक फंड बना सकते हैं। 20 साल में 25,000 रुपये से आप 34 लाख रुपये का फंड। अगर हम 25 साल की बात करें तो 25,000 रुपये से आप 1 करोड़ 19 लाख रुपये का फंड और 30 साल में 25,000 रुपये से आप 4 करोड़ 11 लाख रुपये तक फंड बना सकते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर हम SIP की बात करें तो 1,000 रुपये मंथली अगर आप SIP शुरू करते हैं 28% रिटर्न मिल जाता है आपको, तो 5 साल में आप 60,000 रुपये का निवेश करके 131,000 रुपये का फंड बना लेंगे। अगर हम 10 साल की बात करें तो 120,000 रुपये का निवेश करके 654,000 रुपये का फंड। अगर हम 15 साल की बात करें तो 180,000 रुपये का निवेश करके 27,43,000 रुपये का फंड। जबकि 20 साल की बात करें तो आप 240,000 रुपये का निवेश करके 1,10,00,000 रुपये का फंड। 25 साल में 3,00,000 रुपये SIP के थ्रू निवेश करके 4,43,000 रुपये का फंड और 30 साल में अगर आप 1,000 रुपये महीना SIP कंटिन्यू करके रखते हैं तो 3,60,000 रुपये का निवेश करके आप 17,70,00,000 रुपये तक फंड बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम म्यूचुअल फंड्स प्लान की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पैसे पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।